देखिए आज का जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी के हिसाब से रहेगा, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, डी, ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देख करके वही क्रम बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सभी लोगों का जो पहला अक्षर वो मिल रहा है तो इससे कोनो मतलब नहीं है। अब दूसरे अक्षर पर आएंगे, दूसरे अक्षर में ई आई आई ए और ओ है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आता है वो ए आता है अल्फ़ाबेट में, तो क्या हो जाएगा, चौथा सबसे पहले हो जाएगा, यानी चार नंबर। हाँ, इसको एक दो ऐसे कर दे, तीन चार और पाँच, तो चार सबसे पहले आ जाएगा। आर के बाद क्या आता है, ए के बाद ए बी सी डी ई, ई आता है तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि पहला, ठीक है, सॉरी चार और एक हो गया। ई के बाद क्या आता है, ई एफ जी एच आई, आई देखिए दो ठो है, आई के बाद क्या है, यहाँ पर आई, ठीक है ना, दो दो है, आई के बाद फिर तीसरा वाला देखेंगे, आई जे के एल एम, एम के बाद तब यस आता है, तो क्या हो जाएगा एम, ये आपका दूसरा वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आई दूसरे नंबर पर आई है, ये ओ है, तो ये क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ये फिर क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो हमारा क्रम क्या बन रहा है, चार एक दो तीन पाँच, यानी कि आपको अल्फ़ाबेट से रखना, जैसे ए बी सी डी क्रम से आता है वैसे ही आपको इसको रखना है। तो जिसका सबसे कम होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर जैसे आर सब में कॉमन है, उसके बाद दूसरा अंक जो है ए है, यानी पहले अक्षर पे आता है इसलिए इसको पहले लिखे हैं। फिर उसके बाद आर के ए के बाद क्या आता है, ई आता है, ई को क्या किए हम दूसरे अंक पर रख दिए हैं। इसके बाद इन दोनों में देख रहे हैं कि आई आई कॉमन है, दोनों में आई आई है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट तीसरे वाले का अल्फ़ाबेट देखेंगे, तो तीसरा वाला अल्फ़ाबेट जो है यम जो है यस से पहले आता है इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा जो है तीसरे से पहले आ जाएगा, लास्ट में बच गया, ठीक है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है क्या है कि खड़भुज जो है पुस्तकालयों पुस्तकालय कर्मियों के लिए है, और वर्ग जो है किसके लिए है, करदाताओं के लिए है, वृत्त जो है किसके लिए है, देखिए चित्रकारों के लिए है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या है कि कितने पुस्तकालय गलत लिख दिए हैं क्या, हम पुस्तकालय कर्मी, कितने पुस्तकालय कर्मी न तो करदाता हैं और न ही चित्रकार हैं। तो सबसे पहले देखिए पुस्तकालय कौन सा है, पुस्तकालय ये है, यानी खड़भुज जो है पुस्तकालय है, पहली चीज हो गया। अब इसके बाद क्या देखिए, करदाता नहीं होना चाहिए, करदाता वर्ग कौन सा है, ये वर्ग है, ये तो इसमें से जितने भी होंगे, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, काम खत्म। इसके बाद क्या है, चित्रकार, चित्रकार कौन सा है, वृत्त वाले, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, यानी ये भी देखिए नहीं होगा क्योंकि ये भी चित्रकार है, आपका कितना बच गया, 15, ठीक है। तो 15 क्या हो जाएगा आपका, कि वे पुस्तकालय कर्मी होंगे जो न तो करदाता होंगे न तो चित्रकार होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पासे के चार अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, यानी चार पासे हैं, उस अक्षर का चयन कीजिए जो, उस अक्षर का चयन करना है जो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को देखिए एक चीज़ बताया था, जब खुला हुआ पासा होता है तब उसमें से हर तीसरा वाला एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी पहला तीसरे के विपरीत होता है। अब यहाँ पर सभी बंद पासे हैं, और बंद पासों में देखिए सबसे पहली चीज़ है, वो सबसे आसान चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग ढूंढिए कि कौन सा ऐसा पासा, दो पासे कौन से ऐसे हैं जिनमें दो फलक जो हैं, फलक देखिए जैसे देखिए ये फलक है, ये फलक इसको कहते हैं, ये फलक हो गया, ये फलक हो गया, दो फलकों पर लिखा गया चिन्ह है जो भी लिखा गया है वो बराबर हो जाए ऐसा कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, एक सी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ये डी हो गया, ये भी डी हो गया, बाकी और किसी पे देखिए नहीं मिलेगा, यहाँ पर बी है सी है लेकिन बी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या देखिए, हमको बी का अपोजिट लेना है, तो यहाँ पर सी डी सी डी, दो ठो मिल गया। अब कितना कितना बचा, एक एक बचा है, तो जो बचेगा वही क्या होगा, विपरीत वाला होगा, यानी बी का विपरीत कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया ना, चलो करो।